काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है और साथ ही कुछ अन्य परिभाषाएं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग की परिभाषा और उसके साथ ही कुछ अन्य परिभाषाएं बताई थी। हम सभी जानते हैं कि पहले अकाउंटिंग मैन्युअली होती थी, यानी हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे, और अब ये कंप्यूटर की सहायता से होता है। पर इसके मूलभूत तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए पहले कुछ वीडियोस में हम समझ लेते हैं कि जो मैनुअल अकाउंटिंग होती थी वो किस तरह होती थी। साथ ही ये भी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड होने से क्या फर्क पड़ गया है। व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्तीय यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है। संसार भर में इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिकली प्रूवन है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है, और इसमें प्रत्येक लेन देन के लिए समान राशि एक खाते के नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरे खाते में जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। जैसे हमने बैंक से 10,000 रुपए नगद निकाले, अब यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए हैं, नकद यानी कैश और बैंक। इसकी एंट्री इस प्रकार होगी। चित्र में आप देख रहे हैं कि दो खाते प्रभावित हुए हैं, जिसमें देने वाला बैंक अकाउंट है और पाने वाला कैश अकाउंट है, और दोनों पक्षों में जो राशि लिखी गई है वो समान है। एक खाते को डेबिट किया गया है और एक खाते को क्रेडिट किया गया है। यहाँ आपके मन में तीन सवाल उठेंगे। पहला, खाता क्या होता है? तो इसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से देंगे। दूसरा, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? इसके कुछ नियम हैं जिन्हें हम आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आगे बताएंगे। और तीसरा, आप ये जो प्रारूप देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे जर्नल के अंतर्गत विस्तार से समझाएंगे। यहाँ पहले हम इस लेसन में उपयोग होने वाले टेक्निकल शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। लेनदार यानी क्रेडिटर, वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है, ऋणदाता या लेनदार यानी क्रेडिटर कहलाती है। लेनदार को भविष्य में ऋणी से धन राशि प्राप्त होना होती है। संक्षेप में, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। उदाहरण के लिए, पारस ने राहुल से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। यहाँ पारस की बुक्स में राहुल क्रेडिटर कहलाएगा। अब हम समझते हैं देनदार यानी डेटर के बारे में। वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है, ऋणी या देनदार यानी डेटर कहलाती है। देनदार को भविष्य में एक निश्चित दिन यानी एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। संक्षेप में, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है। उदाहरण के लिए, अनिल ने राज को 5,000 रुपए का माल उधार बेचा। यहाँ अनिल की बुक्स में राज डेटर कहलाएगा और राज की बुक्स में अनिल क्रेडिटर कहलाएगा। अब हम समझते हैं पूंजी यानी कैपिटल के बारे में। व्यापार का स्वामी यानी ओनर जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग में व्यापारी और व्यापार दोनों को अलग अलग माना गया है। इसलिए व्यापार में ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार की लायबिलिटीज मानी जाती है, यानी व्यापार के लिए ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए कर्ज है। उदाहरण के लिए, विकास ने 20,000 रुपए नकद और 10,000 के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में उसकी व्यापार में लगी हुई इस पूंजी की राशि 30,000 रुपए होगी।
अब हम देखते हैं कि स्वामी यानी ओनर कौन होता है। वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ और हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। यदि किसी व्यापार का स्वामी या मालिक एक व्यक्ति है तो वह एकाकी व्यापारी यानी प्रोपराइटर कहलाता है, और यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार यानी पार्टनर्स कहलाते हैं। पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। अगली परिभाषा है आहरण यानी ड्रॉइंग्स। व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है वो उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी दुकान के कैश में से अपने निजी खर्च के लिए 500 रुपए निकाल लेता है तो ये उसकी ड्रॉइंग्स कहलाएंगी। संपत्ति यानी असेट्स। व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड असेट से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं, यानी जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। और चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो आम तौर पर एक वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके, जैसे देनदार, बैंक बैलेंस, स्टॉक इत्यादि। अब हम बात करते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज की। वे सभी ऋण या लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी दायित्व यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज, जिन्हें हम लंबी अवधि की देनदारियां यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, और चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज, जिन्हें हम कम अवधि की देनदारियां यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। स्थायी दायित्व से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात या व्यापार की समाप्ति पर करना होता है, जैसे दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन, पूंजी, बिल्डिंग या लैंड को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि। चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट भविष्य में करना हो, प्रायः यह एक साल से कम समय में चुकाना होती हैं, यानी ये अस्थाई होती हैं और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट आदि। अब हम बात करते हैं अदत्त व्यय की यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं परंतु उनके मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मचारी की सैलरी बाकी है या मकान मालिक का किराया बाकी है यानी देना है किंतु दिया नहीं गया है, तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा। इस तरह के प्रावधान को अदत्त व्यय कहते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन की। किसी वस्तु या संपत्ति के उपयोग से समय व्यतीत हो जाने पर, मूल्यों में परिवर्तन से, नष्ट हो जाने या अन्य किसी कारण से जब संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है तो इस मूल्य में होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई मशीन है और हम उसका लगातार उपयोग कर रहे हैं, इस उपयोग से उसका मूल्य कम हो जाएगा। मूल्य की यही कमी मूल्यह्रास या घिसारा या डेप्रिसिएशन कहलाती है।
अब हम समझ लेते हैं वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर को। ये 12 माह की अवधि होती है जिसका हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। चूंकि ये अवधि 12 माह की होती है इसलिए एक वर्ष कहलाती है। हमारे भारत में ये अवधि यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली ये जो अवधि है या 12 महीने का जो समय है उसे एक फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के आरंभ में बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में हर लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है, तो पहले हम ये समझते हैं कि खाता क्या होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानी नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष। डेबिट साइड बाईं तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाईं तरफ होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने राम से 1 लाख रुपए उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुका दिए। देखिए राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जब हमें राम से रुपए प्राप्त हुए हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा है और जब हमने राम को रुपए वापस किए हैं तो उन्हें डेबिट साइड में लिखा है। इस वीडियो में आपने जाना कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और कुछ अन्य परिभाषाएं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं।